नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बात करेंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर। दरअसल एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के अंदर अब सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चालू कर चुके हैं। आपको बताएं आज की अपडेट, जहां पर उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और वहां पर कूड़े के ढेर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी यमुना नदी के तहत जो प्रदूषण होता हुआ नजर आ रहा है उसको साधती हुई नजर आ रही है। यानी कि एमसीडी का बॉस कौन होगा और इस बार किसका मेयर बनेगा, इसको लेकर लगातार हम आपको बताएंगे, अपडेट करते रहेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 250 वार्ड दिल्ली एमसीडी के तहत आते हैं और 126 पे बहुमत हासिल होता है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रूल कर रही है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लगातार निशाने साध रही है। 4 दिसंबर को चुनाव और दिल्ली का बॉस आखिर कौन बनेगा, आज बात करेंगे गोविंदपुरी की, जहां पर गोविंदपुरी वार्ड की क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से वहां की जनता सोचती है और जो वहां के पार्षद साहब हैं, जो काउंसलर हैं, उनकी आगे किस तरह की रणनीति रहेगी और जनता किन मुद्दों के तहत इस बार अपने मत का इस्तेमाल करेगी। एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता कैप्टन सिंह जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। और पहला सवाल मेरा यही, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है एमसीडी के अंदर, कैसे देख रहे हैं इस बार का एमसीडी चुनाव? तकनीकी समस्या, दोबारा जोड़ते हैं कैप्टन साहब को। आपको बताएं गोविंदपुरी वार्ड की अगर बात की जाए तो कई समस्याएं हैं वहां पर, जाम जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, गंदगी जो है वो ढेर बनता हुआ नजर आता है। जनता का क्या कुछ मत रहेगा, नेता इस बार क्या कुछ सोचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपना कब्जा जमाए हुए है, इस बार क्या परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, इस बार क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आने वाली है? कैप्टन साहब, आवाज मिल रही है आपको? दिल्ली में किसकी सत्ता होगी, यानी कि जो छोटी सरकार के नाम से जाना जाता है एमसीडी, उसमें आखिर कौन काबिज होता हुआ नजर आएगा? आपको बताएं 250 वार्ड हैं, 126 पे बहुमत हासिल होता है और बड़ा सवाल यहां पर यह है क्योंकि 2017 में एक बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव में उभर कर सामने आई थी और 2022 यानी कि 5 साल में क्या कुछ अंतर होता हुआ नजर आएगा और किस तरह से एमसीडी का चुनाव इस बार होता नजर आने वाला, जमीनी स्तर पर यानी कि धरातल के ऊपर किन मुद्दों के साथ जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई एमसीडी के चुनाव में नजर आने वाली है, इन तमाम बातों को लेकर लगातार हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार के मुद्दे क्या हैं, एमसीडी चुनाव को लेकर इस बार के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को आगे बढ़ा रही है, जो कूड़े के ढेर हैं वो एक बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं और इसको खत्म भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में होने के बावजूद भी नहीं कर पा रही है और वहीं पर निशाना भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है कि पंजाब के कूड़े के ढेर आम आदमी पार्टी को नहीं दिखते हैं और मनीष सिसोदिया पूरे एक्टिव, यानी कि एमसीडी चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता को उन मुद्दों के साथ लेकर जाया जाए जिन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रदूषण एक बड़ी समस्या, किस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी, जनता के मुद्दे छूती हुई नजर आएगी और जनता को किस तरह से अपने फेवर में करती दिखाई देगी, एमसीडी का चुनाव इस लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके बाद
लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसमें जनता का मिजाज, जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं उसका आकलन भी किया जा सकता है। लेकिन दोनों चुनाव में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, ये एमसीडी चुनाव और वो लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। लेकिन बारीकी से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किस तरफ दिल्ली की जनता है, किधर जनता जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक आकलन लगाया जा सकता है। दोनों पार्टियाँ बड़े पैमाने पर एमसीडी के चुनाव को लेकर घोषणाएँ कर रही हैं और अलग अलग तरीके से जनता को लुभाने की बात भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो एमसीडी के चुनाव में शामिल होते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आते हैं और दिल्ली नगर निगम एक बड़े पैमाने पर लोगों को वो तमाम सहायता देता है जिसके लिए वो अपने प्रतिनिधित्व को चुनते दिखाई देते हैं। लेकिन गोविंदपुरी वार्ड का इस बार क्या हाल होगा और गोविंदपुरी वार्ड का बॉस कौन होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यमुना नदी का प्रदूषण लगातार दिल्ली वासियों को परेशान करता है और कूड़ा पॉलिटिक्स दरअसल अब एमसीडी चुनाव में आती नजर आ रही है, क्योंकि कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार निशाना साध रही है और पंजाब का कहीं ना कहीं जिक्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको जानकारी दें, 50% वार्ड जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए और इसके लिए सभी दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है और हर दिन दिल्ली के सभी वार्ड से रूबरू करवाए जाएंगे। और बात आज हम गोविंदपुरी की कर रहे हैं जहां पर एमसीडी चुनाव का विगुल जो है बच चुका है और तमाम जो काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता के सामने मुखातिब होते नजर आ रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से दिल्ली एमसीडी का चुनाव को देखते हैं और दिल्ली में एमसीडी चुनाव का जो विगुल बजा है उसको लेकर उनकी आखिर क्या कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। सरकार इसको लेकर अपने मत का इस्तेमाल जो है वो लोग करते हुए नजर आएंगे और गोविंदपुरी वार्ड का ये जायजा लेंगे। आखिर दिल्ली नगर निगम का बॉस जो है वो कौन होने वाला है और दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर घमासान जो है वो भी लगातार जारी हो रहा है। एमसीडी को लेकर ये कोशिश की जा रही है किसी भी हमारे साथ कैप्टन साहब जो है वो दोबारा संपर्क कर चुके हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से देखते हैं एमसीडी चुनाव को लेकर, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाए हुई है, इस बार कैसे होगा चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम में सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से काम इन्होंने कोई किया नहीं, गलियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, कूड़ा उठ नहीं रहा है, एक तक मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं और पूरी गोविंदपुरी के अंदर नहीं पूरी दिल्ली के अंदर गंदगी पड़ी हुई है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई होती नहीं है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो रिश्वतखोरी पे लगा हुआ है, जितने भी डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन की भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काउंसलर हैं उन सब लोगों का जगह जगह पर विरोध हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तो विरोध हो रहा है लेकिन उनकी जगह आएगा कौन? आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार सक्रिय हो रही है, वो कूड़े के ढेर की बात करती है, वो ये कहती है कि जो 15 साल ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ कह रहे हैं कूड़े के पहाड़ हो रहे हैं, भैया लुधियाने के अंदर कौन सा कूड़े का पहाड़ है, वो कहाँ से आ गया? वहाँ तो सरकार इनकी है ना, वहाँ कैसे आ गया कूड़े का पहाड़? मैं कहता हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो एमएलए हो या काउंसलर हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर वो चाहे उसके इलाके के अंदर गलियां, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा, सफाई सारी व्यवस्था अच्छी हो सकती है, लेकिन विल होनी चाहिए ना। ये तो एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, इनका काम है दोष मढ़ना और झूठ बोलने की जो राजनीति करते हैं सबसे बड़ी बात यह है, झूठ बोलने की राजनीति दोनों पार्टियां करती हैं और झूठ बोलकर ये लोग सत्ता में आते हैं, फिर ये लोगों का काम नहीं करते हैं।
लेकिन बड़ी बात यहाँ पर कैप्टन साहब ये है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से जनता के बीच में जाएगी, जनता को किन मुद्दों के साथ अपने साथ जोड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं लगातार देखे जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों में विफल होती हुई नजर आती है। जनता कांग्रेस पार्टी से टच नहीं कर पा रही है, उनके मुद्दे जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी की अब बात कीजिए, आप 2002 से लेकर 2007 तक कांग्रेस पार्टी थी, यूनिट एरिया प्रणाली कौन लेकर आया था, हाउस टैक्स के अंदर यूनिट एरिया प्रणाली कांग्रेस लेकर आई थी। उसके बाद हजारों लाखों लोगों को दिल्ली के अंदर फायदा हुआ और एक भ्रष्टाचार से, जो कि हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होता था, उससे इंस्पेक्टर असेंबली मिली, सेल्फ असेसमेंट किया गया। उसके बाद इन्होंने वार्ड बेंडिंग पॉलिसी लेकर आनी थी, हम लोग वार्ड बेंडिंग पॉलिसी लेकर आए, आज तक वार्ड बेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि यहाँ पे वार्ड बेंडिंग कमेटी का गठन कीजिए। ये दोनों के दोनों, चाहे वो दिल्ली सरकार में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे नगर निगम के अंदर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों भी दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज कोई भी विधायक अगर ये चाहे कि उसके इलाके के अंदर गंदगी नहीं चाहिए तो गंदगी वहां पर नहीं होगी, लेकिन ये दूसरी पार्टी पर दोष मढ़ रहे हैं। और रही बात पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन देखिए ना कितना हो गया दिल्ली के अंदर आज, मतलब कि हमें जहर के अंदर डुबो के मारा जा रहा है। एक तरफ मैं आपको बताऊं, जब दिल्ली के अंदर सारी गाड़ियां सीएनजी की गई थी तो जिया दीक्षित सरकार को यूएनओ ने सम्मानित किया था, हमारे उस वक्त तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को यूएनओ ने अवार्ड दिया था, यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड दिया था। और ये देखिए इन्होंने दिल्ली को एकदम जहरीला, एकदम गैस का चैम्बर बना के रख दिया है। और रही बात यमुना की, ये हर बार इलेक्शन में कहते हैं हम यमुना की सफाई कर देंगे। लगभग कितने साल हो गए, हमारी माताओं और बहनों को, हमारे जो उत्तरांचल के पूर्वांचल के भाई बहन हैं, माताएं हैं, वो यमुना जी के अंदर अपनी छठ पूजा नहीं मना सकी, जहरीला पानी इन्होंने यमुना जी के अंदर कर दिया है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको लालच है इनके ऊपर। ठीक है, लेकिन कैप्टन साहब जहरीले पानी की आप बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो यमुना नदी को लेकर, प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि जो प्रदूषण का मामला है उसको लेकर जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्रदूषण का मामला केवल दिल्ली का नहीं है, हर एक राज्य का उससे जुड़ता हुआ मामला निकलकर सामने आ रहा है। देखिए दिल्ली की जनता जाग चुकी है और आने वाला 4 दिसंबर का दिन होगा, जो जिस दिन दिल्ली नगर निगम में चुनाव होंगे, इन दोनों पार्टियों को दरवाजे का रास्ता दिखाया जाएगा। दिल्ली के सम्मानित मतदाता बहुत ही समझदार और ईमानदार मतदाता हैं, वो इनको दरवाजा दिखाएंगे क्या, और दिल्ली के अंदर एक बार फिर कांग्रेस वाली दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली की वापसी होगी। लेकिन कैप्टन साहब गोविंदपुरी अगर वार्ड की बात की जाए, 70% जो सिलम झुग्गियां है उसमें मतदाता रहते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनके काफी अहम मुद्दे हैं। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 सितंबर 2013 को 18 सितंबर 2013 को यहां पर हमारे डीडीए द्वारा इंस्टीट्यूट स्कीम के तहत दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी और उस वक्त के हमारे तत्कालीन कार्यकारी के विधायक और उस वक्त के डीडीए मेंबर आए श्री सुभाष चोपड़ा जी ने यहां पर इंस्टीट्यूट स्कीम के तहत 3024 मकानों का शिलान्यास किया था। आज उसी शिलान्यास का प्रयास है कि वो नरेंद्र मोदी जी उनको चाबी दे रहे हैं उन झुग्गी वालों को, भूमि कैंप, नेहरू कैंप, नवजीवन कैंप, जो 30,000 के लगभग वोटर हैं उन लोगों को चाबी दे रहे हैं और जिसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कार्य दिल्ली के अंदर 1962 के बाद डीडीए की स्थापना हुई, कोई भी मेंबर डीडीए का कारपोरेशन से भी 2 मेंबर जाते हैं और दिल्ली सरकार से भी 3 मेंबर विधायक जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोशिश नहीं की कि वहां पर उनके गरीबों के लिए मकान बना सके, उन झुग्गी वासों को मकान दे सके, लेकिन ये सिर्फ अगर कार्य किया तो ये कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। उस वक्त सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, आप नेता है सर, स्वागत है आपका राशिद जी। और एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह से इस बार सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताती दिखाई दे रही है। देखिए जितनी वो अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आवाम क्या कह रही है देखने वाली बात ये होगी कि आवाम क्या कह रही है। पार्टी तो अपनी बात करेगी। अब पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, पोल खुल चुका है उसका, उसने 5 साल का वक्त मांगा था लोगों से,
लोगों ने 10 साल का वक्त दिया, दिल्ली की जनता ने 10 साल का वक्त दिया, इन 10 सालों के अंदर में पूरी दिल्ली को पूरा पूरा कर दिया। लेकिन राशि जी, अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का आरोप आप पर लगा रही है कि आप जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में तकरीबन 16 हाँ ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें जी। राशि जी बात पूरी करिए। राशि जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि गोविंदपुरी एरिया जो है, जो वार्ड है, उसको लेकर चर्चा की जा रही है और दिल्ली के अंदर जो एमसीडी चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर इस बार नगर निगम का बॉस कौन होगा और किसकी इस बार छोटी सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है, इसको लेकर आपको अलग अलग वार्ड से हम रूबरू करवाते हैं। दरअसल गोविंदपुरी की अगर बात की जाए तो वहां पर 70% आबादी स्लम और झुग्गियों में रहा करती है। ये वही आबादी है जो नेताओं के सिर पर निगम पार्षद का ताज तो पहनाती है, लेकिन लगातार जो बदहाली की स्थितियां हैं वो धरातल पर दिखाई देती हैं। झुग्गी वालों के लिए फ्लैट भी तैयार किए गए हैं, लेकिन अभी तक इन फ्लैटों का आवंटन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को नहीं किया गया है। दरअसल बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं और बड़े वादों के तहत इन तमाम लोगों को सराहाया भी जाता है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर वादे होने चाहिए और उनको पूरा करना चाहिए वो होते हुए नजर नहीं आते हैं। 2017 की अगर बात करें, निगम चुनाव में यहां से कांग्रेस के चंद्र प्रकाश ने जीत हासिल की थी, साथ ही 2012 के निगम चुनाव में भी इसी वार्ड से जो जीत है वो चंद्र प्रकाश की हुई थी, लेकिन तब उनका पार्टी सिंबल जेडीयू हुआ करता था। हालांकि 2022 के चुनावी रण में चंद्र प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के नेता मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे साथ राशिद हयात खान साहब दोबारा जुड़ गए। राशिद जी, वही मेरा सवाल, आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है, किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, जनता के सामने जाने का उनका मुंह नहीं है, जनता के सामने वो कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? जो वादे उन्होंने किए थे उस वादों का ढोल तो फट चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जहां भी, या पंजाब हो या दिल्ली हो, जहां भी वादे किए हैं उस वादे पे 100% खड़ी उतरी है। ये तो आपने देखा होगा, हर किसी को पता है, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्कूल की बसें फ्री हो, जितने वादे आम आदमी पार्टी ने किया, आवाम से किया, जनता से किया, उसको पूरा किया है। लेकिन तो अगर बात की जाए राशि जी, बिल्कुल, लेकिन लेकिन आज मनीष सिसोदिया गाजीपुर जो बॉर्डर है वहां पे भी पहुंचे और उन्होंने एक जो बड़ा अंबार कूड़े और कचरे का लग रहा है उसको लेकर निरीक्षण किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आपको पंजाब का जो एक बड़ा पहाड़ बनता जा रहा है कूड़े का वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ सियासत के लिए आप इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। देखिए, दिल्ली भी है हमारा आम आदमी पार्टी का, पंजाब भी आम आदमी पार्टी का है, दोनों जगहों पे काम होगा। पंजाब में भी सरकार नहीं है, वहां पे काम होगा और इंशाल्लाह आने वाले जो वक्त है हमारे पास उसमें सारे मसलों का हल होगा। हाँ। फिलहाल दिल्ली का मसला ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसने आप सिर्फ तीन कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पूरे दिल्ली का कोई कोना हो, कोई कस्बा हो, कहीं भी हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है, कहीं भी चले जाए आप सड़कों पे। कांग्रेस के नेता कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े, ठीक है, कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी जो वादे करती थी दरअसल अब वो वादे जनता के सामने आ चुके हैं और सिर्फ झूठे वादे वो किया करती थी, धरातल पर काम होता हुआ जो है वो नजर नहीं आया, इसलिए अब परिवर्तन जो है वो चाहती है। सर, धरातल पर तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, धरातल पर तो है ही नहीं। आप तुमके पास कुछ भी कहने का हक है, वो कुछ भी कह सकते हैं। आप ये देखें कि धरातल पे कौन है, क्या आवाम बेकूफ है? अगर आवाम ने आम आदमी पार्टी को चुना है, चुनती आ रही, तो ये साबित करता है कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है लोगों के बीच में और जो वादे करती है वो निभाती है। लेकिन राशि जी, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, जिस तरह से इस बार कूड़े को लेकर बात की जा रही है, जो एक अंबाल लग रहा है उसको लेकर बात की जा रही है और आप आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पर कि 15 साल में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो क्या इस बार एमसीडी चुनाव में कूड़ा पॉलिटिक्स होती हुई नजर आ सकती है? नहीं, कूड़ा पॉलिटिक्स नहीं है, कूड़ा तो हमारी जरूरत है,
हमारी है, आपकी है, सबकी जरूरत कूड़ा है। हम इतने परेशान हो चुके हैं, हम एक पार्टी के की वजह से नहीं बोल रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, इस हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आवाम की हैसियत से बोल रहा हूँ। आप आम जनता से आकर पूछे, गली गली जाकर पूछे, पूछना कि आप खुद देख सकते हैं, आप दिखाएं आप उनको, कोई भी ऐसी गली नहीं जहां पे कूड़े कूड़े नहीं लगे हुए। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेलियर हो चुकी है, 100% फेलियर हो चुकी है। लोगों ने मन बना लिया है हर हालत में उसे आम आदमी पार्टी बनाना है इस बार। लेकिन 2017 में भी इसी तरह के आप वादे कर रहे थे राशि जी, 2017 में भी आम आदमी पार्टी इस तरह के वादे कर रही थी कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को त्रस्त कर दिया है, जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। लेकिन आपके सामने भी वो नतीजे हैं, देश के सामने, दिल्ली के सामने वो नतीजे हैं कि 2017 में कितने उरूज पर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में पहुंची। ठीक है, हमने आवाम ने उनको उरूज पर पहुंचाया इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं वो अपने वादे में खड़ी उतरेगी, लेकिन अब ये 2022 में उसका ग्रुप भी देखेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना ग्रुप भी देखेगी, जो हर्ष कर दिया दिल्ली में चलना मुश्किल कर दिया है। ये आप ये बीमारियों का घर है, इतनी बीमारियां हो रही है इसकी वजह से परेशान है लोग, लोग कहां जाए, किससे करें शिकायत, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी तो एक फोन पे हाजिर हो जाती है हर मसलों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद हयात खान साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। दरअसल एमसीडी चुनाव को लेकर ये कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी किन वादों के साथ धरातल पर जा रही है और जनता कितना स्वीकार करती हुई नजर आएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर हर एक वार्ड की आपको जानकारी देंगे, वहां के नेता, वहां के पार्षद से आपके सामने उनकी बातों को रखेंगे और फिर आप खुद फैसला करिए कि आखिर किसके साथ आपको जाना है और एमसीडी इस बार किसको सौंपनी है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।